पता है ये बहुत रन बोलती है हमेशा, दर्द नहीं है, दर्द बोलती है शांति से। जिठानी के बच्चे होने के 9 बजे हम सो के उठेंगे, अरे खाना बनाओगे कब तुम 9 बजे? मैं ठीक रहेगा तो खाना बनाऊंगा, तो थोड़ा उसको खाना बनाओ टाइम से, ये वहाँ सो रहो, सबको मिला के रहो, उसके पेट में बच्चा होने वाला था, मिलन भी तो हो सकता, वहाँ सो ही रहती थी, लेकिन अभी एक लोटा पानी तक नहीं दिया, ना तो कोई काम किया, आते थे ड्यूटी से पानी, वो जो शिकायत बेटा ने बोला वो हम बता रहे हैं। देखिए मैं भी बताती हूँ, जब वो आते थे ना तो मेरा कमरा नहीं जाता था, भाभी का रूम में घुसता था, तो क्या अलग है वो भाभी कमरा, अलग की बात नहीं है, उसके साथ जरूरी क्यों नहीं है, बीबी का मतलब अकेले पड़ी अभी बहन है, क्या बोलेंगे हम, मेरी बात सुनो, बड़े बार में माँ भी शादी होने के बाद, वो नहीं है शादी होने के बाद, भाभी भी सुने मेरी बात, जब तक शादी हो गई, शादी होने के बाद लड़का को अपने बीवी से मिलना चाहिए, बेटा भी गलती किया होगा, दोनों तरफ से गलती, एक उसका भी होगा तो इसका भी होगा, इसका भी, लेकिन हम दोनों का क्या गलती है, जो हम दोनों को जो है गाली और गलत से हमें भर दिया, कठोरता की बात नहीं, कठोरता इसलिए हुआ कि हमें अगर जो है मादर जो इसका बेटा तो हमको आपको दुख नहीं होगा, ये पहले बताइए, अगर मान लिया जाए कि आपका समझौता बेटा आपको बोले मादर जो थलना निकालना तो आपको अच्छा लगेगा, मान लेते हैं अभी अभी सब काम बता रहे हैं, बात करते हैं, ये बड़ा है ना, बताइए इतना इतना, ये खुद बोलती है, कैसे रह लेगी यहाँ पे, हमारी बेटी इतना नहीं बोली होगी, एक लड़का लड़की का शादी नहीं होता है, दो परिवार का मिलन होता है, और अगर कोई छोटा है ये लोग इनके लिए वो बेटा बसाना चाहे तो हमने इसलिए बोला कि वहाँ जाएगा तो अपने आप बस जाएगी, आराम से, ये इनकी मम्मी इनका भाई इनका बुआ के जेब फोन से भड़काती है, वही भड़कने पर ये दुनिया भर के भड़क जाती है, क्या खर्चा किया नहीं किया वो छोड़ो ना, क्या खर्चा हमारा भी खर्चा हुआ तुम्हारा भी खर्चा हुआ, खर्चे की बात कर रहे हो, अच्छा मतलब शादी ब्याह खर्चा होता ही है, अच्छा से रही थी 6 महीना, तो हाँ एक दो महीना रही हमारे पास, बहुत अच्छा से रही है, बहुत अच्छी से रही है, इसकी मायके से आ जाते थे तुम, अभी हम बोल कर खुद एक आती थी, नहीं हमारे माँ बाप ठीक है, यानी उस समय हम सोना थे, अब हम जो मिट्टी हो गए, इसलिए कि 1.5 साल से इसको कहीं ना 1.5 साल की बात नहीं मैडम जी, अब लड़के को छुट्टी होगा, अब ये खुद परीक्षा दे, नहीं शादी के बाद हम भेज रहे थे, इन्होंने खुद बोला हमें परीक्षा देना है, अच्छा हाँ, तो उसके लिए फिर 5-6 महीना वहाँ घर पे रुकना पड़ा इसको, तो इसी में ये कह रहे हैं कि जो है ऐसा ऐसा बात, 5-6 महीना चली ठीक है, तो उसको छुट्टी वहाँ से मिलेगा तभी ना आएगा लेने के लिए, तो आया था नहीं आया था, इन दोनों को तो पता नहीं क्या क्या बात हुई है, समझौता फमझौता क्या क्या कर रही थी, यही दोनों कर रही थी, कोई समझौता नहीं कर रहे, बुरा अच्छा अभी मैंने बोल के बोल दो तुमको अपने पति के साथ रहना है कि नहीं रहना, मैम जब अच्छा से रखेगा, अच्छा कभी नहीं मारेगा, एक चीज का आपको ध्यान लेना होगा, कैसे मार देगा भाई, पत्नी पत्नी होती है, अगर आप ही अपनी वाइफ को मारिएगा तो वो भी उग्र होने लगेगी, गाली गलौज करने लगेगी, मार भी दिए दुनिया भर के होता है, नहीं मेरा बात सुनिए, इसके लिए आप अपना बेटा को डांट सकते हैं कि बहू पर हाथ मत चलाओ, वो बात तो आपका बहू मानते हैं, लेकिन अब ये नए जगह है, हम यहाँ क्या बोलेंगे, हमें क्या पता है इस विषय में, ये तुम पापा से कहीं नहीं सिखाई, मैम ये लोग बोलते तुम दोनों समझो, हम नहीं जानते तुम्हारा कोई नुपेटा आवाज सुने, ये तो यहाँ से लखीसराय से बोली है, वहाँ से नहीं बोली है, वहाँ से टेलीफोन किया इन्होंने, जब हम पंचायती रख रहे थे मैम, अगर जब हम आए तो मुझे कुछ कारण था, मिले तब कम दिल्ली से आए, तो ये तो गार्जियन थे, ये बोल सकते थे आप सपोर्ट कि क्या हुआ, नहीं तो क्यों आए, आपसे उग्र हो गई, देखिए मुझे है कि आप ही का बेटा नादान है, बहुत लोगों का बेटा नादान होता है, लेकिन पिता का काम है उसको सही रास्ता पे लाना, समझ गए ना, आपको चाहिए कि अपने बेटों को समझाना कि बहू पर हाथ मत चला, ये आपका प्रतिदिन सब होना चाहिए, जब तक शांत रहो ना, जब तक रहने लायक बातें कर रही है, पहले बताइए नहीं, जो चोट है जो दर्द है वो निकल हमें भी है, जब तक वो बोलेगी नहीं निकलेगा, निकल भी जाएगा फिर भी वही रहेगा, बोलने दीजिए वो भी निकलने के बाद भी वही रहना, हमें पता है,
ये बहुत रन बोलती है हमेशा, हमेशा बोलती है शांति से। जिठानी का बच्चे होने के 9 बजे हम सो के उठेंगे, अरे खाना बनाओगे कब तुम 9 बजे? तबीयत ठीक रहेगा तो खाना बनाओगे, थोड़ा उसको खाना बनाओ टाइम से, ये वहाँ रहो सबको मिला के रहो। उसके पेट में बच्चा होने वाला था, मिलन भी तो हो सकता है, वहाँ सोई रहती थी लेकिन अभी एक लोटा पानी तक नहीं दिया, ना तो कोई काम किया। आते थे ड्यूटी से ना पानी पूछे, वो जो शिकायत बेटा ने बोला वो हम बता रहे हैं। मैं भी बताती हूँ, जब वो आते थे ना तो मेरा कमरा नहीं जाता था, भाभी का रूम में घुसता था। तो क्या अलग है वो भाभी कमरा, अलग की बात नहीं है, उसके साथ जरूरी जरूरी क्यों नहीं बीबी? बीबी का मतलब अकेले पड़ी है, अभी बहन है, कुछ क्या बोलेंगे हम? पहले मेरी बात सुनो, बड़े बार में माँ भी शादी होने के बाद वो नहीं है, शादी होने के बाद भाभी भी सुने मेरी बात, जब तक शादी हो गई, शादी होने के बाद लड़का को अपने बीबी से मिलना चाहिए, बीबी का बेडरूम में जाना चाहिए। आखिर भाभी के पास कोई जाएगा तो इसको तो ईर्ष्या होगा ही ना, ईर्ष्या होता है ना कि महिलाओं में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? नहीं, कुछ गलती आपका बेटा में है, सुधार करिए। हमारे बेटा ठीक है, सब अपना अपना बाल बच्चा के यही कहता है कि मेरा वो सब सब वो आने पता है, सब कहता है मेरे लड़के को ठीक है, लेकिन जो अगर घर बसाना चाहे कोई तरीका, हम तो ये कहते हैं 100% सही, आप जो है माँ बाप के रिश्ता तोड़ करके हमारे पास, ये बोलिए आप, यही बोलिए हम जिम्मेवार, यही बोलिए, यही बोलिए, यही बोलिए, साथ में प्रेम से आप यही बोलिए ना, आप बोलिए नहीं इसकी माँ, यही बोलिए, ये मत बोलिए कि सारा यही मैं करके ही, जो भी जो करता आया है वही करती गई है, और इसका अभी परिणाम यही हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने केस तक इन्होंने किया, पंचायती इन्होंने बैठाया, लेकिन हमने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, आज तक कुछ नहीं बोला, अभी तक अभी तक बोलिए कुछ बोला है मैंने बात हुआ जो जी रिकॉर्डिंग बात भी नहीं हुआ राणा जी से, हम शिकायत किए थे आपका बेटा फोन नहीं करता, मेरी मम्मी को चुप क्या बात करेगा, अपना कमा रहा है कर रहा है अपना ऐस कर, ऐसे बोलते ये क्या मतलब हुआ? ससुर ऐसे बोलते थे? हाँ, और क्या बोले, हलीस मौज करना चाहते, बच्चा पैदा करना चाहते, ऐसे ऐसे कौन ससुर बोलता है? तो बच्चा पैदा तो हर स्त्री करना नहीं, चाहते हम, माँ बनना इनका चाहते, कहने का तो मतलब है मैं इनका चूल्हा चौका करूँ, मैम कोई परिवार पड़ेगा खर्चा होगा, सब पैसे खत्म, हम आए तो खर्चा नहीं पड़ा, फिर बच्चे आएगा कहाँ तक की बात, कहाँ तक खर्चा नहीं पड़ेगा, मेरे सामने कोई नहीं होगा, तेरे तो बच्चा पैदा करेगा तेरे साथ, औकात नहीं, अच्छा ही औकात नहीं है, फिर किधर जाएगा औकात नहीं हमारे बच्चों को खिलाने का, तो फिर फायदे क्या, पढ़ाने का औकात नहीं ला पाएगी मैडम, मुश्किल लग रहा है, अगर हम रख भी लेंगे तो हमें गेटमा गेम कर देगा, हमें तो आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, आप हमको कुछ सुनाना चाहते थे, सुना सारे रिकॉर्डिंग का भाई का भी, ये समधी गाली देते समधी से वो ठीक था, मगर इनका भाई के क्या हक था, खाए क्यों ना, अभी लगाते तो थप्पड़, समधी तो आपका एक रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा सही बोल रहे हैं पापा, मैंने समधी गाली नहीं की, हमारी गलती सारी है, इनकी कोई गलती नहीं है, हम लड़के वाले हैं, हमारी गलती सारी है, ये लड़की वाले हैं, ये जो है सीने पे चढ़ जाए, लेकिन हम कुछ ना बोले, गलती दोनों तरफ से है, हमारी सारी गलती है, हम कह लिए सीने पे चढ़िए गए आप, क्या है सीने पे चढ़ के बोल रहे हैं, केस आपने किया, गाली आप दे रहे हैं, सब चीज आप कर रहे हैं, केस नहीं समझौता होगा, मुखिया समझ का हमारा क्या तालुका, नहीं जाता बेटा जब तक नहीं रहेगा तो हमारा क्या मतलब, बेटा आप दोनों का ही पूछ लिया जाता है, पूछताछ करेगा ना, चुप रहिए ना, बोलने की सबको देश प्रदेश रहता है, इन्हें की अपना बिहार किया हिंदू संघ उठा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही हैं, हम गलत हैं, है हमने कभी आज तक जाए बसाया ही नहीं है, तो क्या करें, यही तो बात है ना, दोनों ने तो भाई के भुजा सब देखे ना, वो फंसता छोटा तो भुजा बात नहीं है यार, कहा है कोई हमें लड़ने से क्या मतलब है, झगड़ने से क्या मतलब है, लड़ने मतलब है नहीं है, चुपचाप केस में फैसला होगा, जो भी होगा जो केस होगा, हाँ आप तो केस करिए दिया, अरे केस वो बोले समझौता के लिए किए हुए हैं, आवेदन दिए हैं, नहीं समझ रहे हैं आप तो अंकल, इस तरह की बातें मत कीजिए, आप तो सब चीज़ जानते होंगे, आपने किया था ऐसे जमानत लेके बैठे हुए हैं, जमानत लेके बैठे हुए तो बोल रहे समझौता के लिए डाले हुए हैं, जमानत लेके बैठे हैं हम, अच्छा हाँ, कागज है क्या, कागज है क्या चीज़ का, बेल का, बेल का, बेल का कागज है,
जेल का कागज नहीं है, लाइए ना दिखाइए हमको। इसकी बात है सच है, इसकी बात सच है कि आपका बात सच है, कुछ प्रूफ दीजिएगा ना। एक होता है कि महिला थाना में, महिला थाना में इसलिए कोई महिला आवेदन देती है ताकि दो जो रिश्ते हैं वो आपस में सुलझाया जा सके। मैडम तो वो केस नहीं होता है, समझ गए ना, वो रिश्ते बनाना का एक पहल होता है। नाम दे रखी है, सब ने जमानत ले रखा है वही लखीसराय से। ठीक है तो आप कागज केस कर रखिए।